गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे बेलनाकार प्रक्षेप। कल भी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में बताया कि बेलनाकार प्रक्षेप पांच प्रकार का होता है, जिसमें से तीन प्रकार स्टेप हम अध्ययन कर चुके हैं और बाकी जो दो स्टेप बचे हैं, दो प्रकार के जो बेलनाकार प्रक्षेप हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो तीन कौन कौन से थे जिनके बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया, थोड़ा सा एक बार उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे जो पहला प्रक्षेप था जिसका नाम था यथार्थ, या हम कह सकते हैं समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। ये जो समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप हैं, इसके अंतर्गत दूरी समान दिखाई जाती है और ये जो प्रक्षेप होते हैं ये गणितीय विधि के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, जो समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप है इसका गणितीय विधि के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है, जबकि दूसरे जो हैं संदर्श प्रक्षेप, या हम कह सकते हैं यथार्थ प्रक्षेप या नोमोनिक प्रक्षेप, ये जो नोमोनिक प्रक्षेप होते हैं इसका जो निर्माण किया जाता है वो प्रकाश की सहायता से किया जाता है। समदूरस्थ प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतरों के मध्य का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, जबकि जो संदर्श प्रक्षेप हैं जिसका प्रकाश की सहायता से निर्माण किया जाता है, इसमें अक्षांशों के मध्य का जो अंतराल है वो जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनके मध्य अंतराल बढ़ता जाता है। जबकि अगर बात करें समक्षेत्र प्रक्षेप, जो या कह सकते हैं उसको लैम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप, वो लैम्बर्ट महोदय ने जो समक्षेत्र प्रक्षेप बनाया उसके अंतर्गत क्या विशेषता होती है कि जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो उनके मध्य का जो अंतराल है वो कम होता हुआ चला जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे मित्रों जिसका नाम है गोल महोदय के अनुसार गोल प्रक्षेप, या गोल महोदय ने इसका नाम रखा था। तो पहले सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप। ये जो बेलनाकार प्रक्षेप है इसको क्लैंड्रिगल क्लैंड्रिगल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। क्लैंड्रिगल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है बेलनाकार प्रक्षेप। इसके अंतर्गत अध्ययन किया था, सबसे पहले नंबर पे हमने अध्ययन किया वो था असंदर्श, या हम कह सकते हैं समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। कौन सा है? असंदर्श समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। सेकंड नंबर पे जो अध्ययन किया वो था संदर्श, या इसका दूसरा नाम था यथार्थ, या इसी को और नाम से जाना जाता है तो वो है नोमोनिक प्रक्षेप। कौन सा? नोमोनिक प्रक्षेप। नोमोनिक प्रक्षेप। और सी नंबर पे जिसका हमने अध्ययन किया वो था समक्षेत्र। कौन सा भाइयों? तो समक्षेत्र, या इसको हम कह सकते हैं हेनरिच लैम्बर्ट का, हेनरिच हेनरिच लैम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप। और नेक्स्ट जो आज हम अध्ययन करेंगे वो है गोल प्रक्षेप। और
अभी फिलहाल में इसका करते हैं, तो गोल प्रक्षेप। और पांचवे नंबर पर जो होता है उसको भी मैं लिख देता हूं, उसे बोलते हैं मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप, ये जो मर्केटर प्रक्षेप होता है इसको हम यथाकृतिक प्रक्षेप भी बोलते हैं, मर्केटर या यथाकृतिक प्रक्षेप। तो मित्रों आज पहले अध्ययन करेंगे हम गोल प्रक्षेप के बारे में। गोल प्रक्षेप क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? तो गोल प्रक्षेप का जो निर्माण किया जाता है वो दोनों विधियों से किया जाता है। दोनों विधि कौन कौन सी हैं? एक तो गणितीय विधि से भी और दूसरा है प्रकाश की विधि से भी, यानी संदर्श और असंदर्श दोनों प्रकार से किसका निर्माण किया जा सकता है? तो गोल प्रक्षेप का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि गणितीय विधि के आधार पर इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो जो गणितीय विधि के आधार में, यहां लिख देता हूं, गणितीय विधि के आधार पर, गणितीय विधि के आधार पर, और यहां हम अध्ययन करेंगे प्रकाश की विधि के आधार पर। कौन सी विधि? प्रकाश की विधि के आधार पर। तो प्यारे मित्रों गणितीय विधि के आधार पर इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले गणितीय विधि में हमें एक आरएफ दिया हुआ होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आरएफ हमें दे रखा है, आरएफ 1/ सौ गुना 10^6 दे रखा है। ये दे दिया कि आरएफ 1/100×10^6, इस पे आप एक गोल प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो गणितीय विधि से किस प्रकार करेंगे? जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि पृथ्वी की जो त्रिज्या को लेते हैं सबसे पहले, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? मैंने अप्रोक्सम 6350×10^5 बताया था आपको, याद हो तो, बटे में लिखेंगे 100×10^6। 5 से 6 जब कट जाता है तो 10^1 बचता है मित्रों। जब हम यहाँ लिखेंगे इसको तो 6350/1000 हो जाएगा। जब इसको काट देते हैं तो यहाँ हो जाता है 6.35। तो यानी 6.35 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेनी है सबसे पहले तो। और 6.35 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेकर के एक ग्लोब की रचना करनी है या एक प्रक्षेप की रचना करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे कि मैं एक ये प्रक्षेप बना देता हूँ, ये ग्लोब बन गया, और इसमें ये मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितनी है? 6.35 है। अब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जब हम गोल प्रक्षेप का निर्माण करते हैं तो जो ये बनाई जाती है ये क्या होती है कि 45 डिग्री, कितने डिग्री? 45 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री साउथ अक्षांशों के लिए बनाया जाता है। अक्षांशों के लिए बनाया जाता है। जो गोल महोदय ने बताया था वो 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ अक्षांशों के लिए बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से जैसे ये ग्लोब बन गया, अब मैं इसमें एक सीधी सरल रेखा खींच देता हूँ, ये इसको भी अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये सीधी सरल रेखा खींच दी और यहाँ से इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। अब ये जो होती है ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री होती है और यहाँ 45 डिग्री। ये 30 डिग्री और मान लेते हैं यहाँ 45 डिग्री हो गई, इसी प्रकार से इधर हो जाएगी 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री हुई। अब इस प्रक्षेप के अंतर्गत क्या किया जाता है और भी, चलो आगे मैं बना देता हूँ, 45 के बाद में 60 हो गई, ये 75 हो गई, ये 60 हो गई, ये 75,
इस प्रक्षेप के अंतर्गत क्या होती है कि 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ अक्षांशों को ही मानक अक्षांश माना जाता है। तो इस जब शंकु प्रक्षेप बनाते सॉरी बेलनाकार या खोखले कागज को इसके ऊपर प्रक्षेपित करते हैं तो मात्र 45 डिग्री तक ही उसके अंतर्गत कवर करता है। जब खोखला कागज बनेगा तो मान लेते हैं हम ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 और ये 45 हो गई यहाँ पे, और इसी प्रकार से 30 45 हो गई, तो ये इस प्रकार से यहाँ से इसको काट देगा और इस प्रकार से ये कागज बनेगा, ये कागज इसके अंदर प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से जैसे ये 0 डिग्री 30 45 यहाँ पे हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये जब काटेगा और ये शंकु प्रक्षेप। तो इस शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत क्या होगा कि ये जो भार का हिस्सा है ये बेस्टेज चला जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। यानी एक ग्लोब लेते हैं हम और ग्लोब के ऊपर एक खोखले बेलनाकार कागज को प्रक्षेपित करते हैं। जब बेलनाकार कागज को प्रक्षेपित करते हैं तो वो जो बेलनाकार कागज होते हैं वो 45 डिग्री नॉर्थ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री साउथ अक्षांशों तक ही कवर करता है। ये 45 डिग्री नॉर्थ और ये हो जाएगा 45 डिग्री साउथ के बीचों बीच में भीतर होकर प्रवेश करता है। तो इस प्रक्षेप में इस प्रकार से रचना होती है। अब ये जो होती है 45 डिग्री, ये रेखा त्रिज्या होती है न कि इसके बारे में, तो 45 डिग्री ये हो जाएगी कितनी 6.35। यानी कहने का मतलब जो विषुवत रेखा है इसकी, जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, ये इस प्रोजेक्शन के अंतर्गत वास्तविक लंबाई की कम दिखाई जाती है, वास्तविक लंबाई से छोटी दिखाई जाती है। अब इसमें किस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि इसके अंतर्गत ये डायग्राम बन जाता है, ये त्रिभुज बन गया। जैसे ये 45 डिग्री, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 45 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया, तो ये हो गई 6.35 डिग्री, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये जो बन करके तैयार हुआ है इस प्रक्षेप में ये, अब इसमें यहाँ पे क्या थीटा का मान ज्ञात करना होता है, किसका मान ज्ञात करना होता है, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना होता है। और जब हम थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो इसमें अपन को करना होता है, जैसे आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, तो इस लाल बटे कक्का के अनुसार हम यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा बराबर एक्स बटे जो त्रिज्या होती है वो लिख देते हैं 6.35। जब इस कॉस थीटा का मान करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा का मान कितना है 45 डिग्री बराबर एक्स बटे 6.35। एक्स का मान इधर लाते हैं तो एक्स बराबर 6.35 इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का जो मान होता है वो कॉस 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 0.7071 लिख सकते हैं, या ये होता है इसका वास्तविक का 7/10 होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/√2। जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाता है लगभग 4.49 सेंटीमीटर के करीब आकर के तैयार होता है। तो मैं बताना चाहूँ कि इसमें क्या होती है, ये विषुवत रेखा होती है, ये वास्तविक लंबाई की कितनी होती है 7/10 होती है। विषुवत रेखा वास्तविक लंबाई की कितनी होती है 7/10 होती है, क्योंकि वास्तविक लंबाई तो यहाँ तक है, और ये जो गोल प्रक्षेप है ये केवल और केवल 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ के मध्य ही होकर के प्रवेश करता है। तो ये दर्शाता है कहने का मतलब, तो जो 45 डिग्री है नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ के मध्य ही गोल प्रक्षेप के अंतर्गत मान शुद्ध पाया जाता है, बाकी जगह पर इसका मान शुद्ध नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से ये तो होगी गणित की विधि के आधार पर, और दूसरा है प्रकाश की विधि के आधार पर, मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा कौन सा है, तो प्रकाश की विधि के आधार पर, तो प्रकाश की विधि के आधार पर,
प्रकाश की विधि के आधार पर सेम वही चित्र बनाना है आपको। किस प्रकार से, सबसे पहले आप एक ग्लोब लोगे, इसको प्रक्षेपित करोगे। जब इसको प्रक्षेपित करते हैं तो ये जो होती है यहाँ पे 45 डिग्री होती है, और 45 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 45 डिग्री साउथ, यहाँ 45 डिग्री साउथ होती है और यहाँ 45 डिग्री नॉर्थ को कवर करता है। इस प्रकार से ये 45 डिग्री हो जाएगी, ये 45 डिग्री हो जाएगी, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। बाकी आप इसके अंतर्गत बना सकते हो। ये आपका ग्लोब तैयार हो गया। अब इसमें दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसमें प्रकाश की कल्पना ग्लोब की परिधि पर की जाती है। गोल प्रक्षेप में प्रकाश की कल्पना कहाँ की जाती है, तो ग्लोब की परिधि पर की जाती है। तो यानी प्रकाश की कल्पना हम यहाँ करेंगे कि प्रकाश कहाँ से डाला जाएगा, इस परिधि से डाला जाएगा। जब इस परिधि से प्रकाश डाला जाएगा तो किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ से इस प्रकार यहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो ये इस प्रकार से यहाँ जाके टच करेगा, यहाँ से दोबारा प्रकाश जाएगा, ये यहाँ टच करेगा, यहाँ 45 डिग्री पे टच करेगा, ये यहाँ जाके इधर इस प्रकार से ये प्रकाश टच करेगा। ये इसके अंतर्गत ध्रुवों पर जाएगा ही नहीं, और इस प्रकार से एक प्रक्षेप की रचना होगी जिसे हम कहते हैं कौन सा प्रक्षेप, 0 डिग्री। ये जो प्रक्षेप बन के तैयार हुआ, यहाँ पे 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। इसी प्रकार से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री तक इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसमें अपन को याद रखनी है कि इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, कि पहली बात तो इसके अंतर्गत मान हमेशा कहाँ पर, 45 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य कैसा पाया जाता है, शुद्ध पाया जाता है। 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य इसका मान शुद्ध पाया जाता है। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको कि इसमें प्रकाश की कल्पना कहाँ की जाती है मित्रों, तो प्रकाश की कल्पना कहाँ की जाती है, परिधि पर की जाती है। कहाँ पर, परिधि पर की जाती है प्रकाश की कल्पना, परिधि पर की जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो त्रिविमीय बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। क्या बोलते हैं, त्रिविमीय बेलनाकार प्रक्षेप इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसमें दूसरी विशेषता याद रखनी है कि इसमें क्या होता है कि ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं किसके बराबर है, ये 45 डिग्री के बराबर है। क्योंकि जो 0 डिग्री है और 45 डिग्री तक जो अक्षांश हैं 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, ये तो वास्तविक लंबाई से छोटी पाई जाती है, जबकि 45 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक जो अक्षांश पाए जाते हैं वो वास्तविक लंबाई से क्या होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ,
कि इसके अंदर का आपको याद रखना है कि जीरो डिग्री से, जीरो की मतलब ऐसे बोलो 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों के मध्य, 45 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों के मध्य अक्षांश अपनी वास्तविक वास्तविक लंबाई से क्या होते हैं बताओ, तो वास्तविक लंबाई से छोटे दिखाई देते हैं या छोटे दर्शाए जाते हैं। छोटे दर्शाए जाते हैं क्योंकि ये क्या आप जीरो डिग्री तो यहाँ तक थी, लेकिन हमने ओनली फोर कहाँ लिया है 45 डिग्री तक लिया है, तो ये 45 डिग्री के बराबर ही होते हैं सभी। दूसरी है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से ध्रुवों तक अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, अपनी वास्तविक लंबाई से अधिक दिखाई जाती है, क्योंकि ये तो यहीं तक थी लेकिन यहां तक दिखा दिया तो वास्तविक लंबाई से बड़ी दिखाई जाती है। तो 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से ध्रुवों तक अक्षांश रेखाएं वास्तविक लंबाई से क्या होंगी, बड़ी प्रदर्शित की जाती हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितने डिग्री अक्षांश के बराबर हैं, क्योंकि 45 के बारे में कल्पना की जा रही है, ये केवल और केवल 45 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों को ही मानक माना जाता है, तो इन 45 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों के बीच में ही मान शुद्ध पाया जाता है। तो मैं लिख देता हूं कि सभी अक्षांश रेखाएं किसके बराबर होती हैं, अक्षांश रेखाएं तो 45 डिग्री अक्षांशों के बराबर दिखाई जाती हैं या बराबर होती हैं। एक पॉइंट और लास्ट आपको याद रखना है कि गोल प्रक्षेप में इसका जो उपयोग किया जाता है तो वो उपयोग होता है उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए होता है। तो इसका उपयोग किसके लिए होता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों, और इम्पोर्टेंट कौन सा है, गेहूं, शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन दिखाने के लिए उपयोगी होता है। तो ये सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। इस प्रक्षेप के अंतर्गत कौन सा प्रक्षेप है, गोल प्रक्षेप, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गोल महोदय के द्वारा निर्माण किया गया था गोल प्रक्षेप। कितने डिग्री, तो 45 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश, तो मान कहाँ पर शुद्ध पाया जाता है, तो इन 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में मान यहाँ पर शुद्ध पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि गोल प्रक्षेप आपको याद हो गया होगा, इसमें आपको सिर्फ एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि गोल प्रक्षेप होते हैं, गोल प्रक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप का एक पार्ट है। गोल प्रक्षेप का जो निर्माण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो गणितीय विधि के आधार पर और दूसरा होता है प्रकाश की विधि के आधार पर। गणितीय विधि के आधार पर किया जाता है, उसमें आपको RF 1/ या 1/100×10^6 जो दे देगा, तो उसमें उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या हमको पता है कि ये कितनी है, 6350 है, 10^5, इसका जब भाग देते हैं 100×10^6 तो 6350×1000, तो ये R बराबर आ गया 6.35। ये जो 6.35 आर है,
अब इसमें आपको इसमें ये जो बनाए हैं 6.35, इस 45 डिग्री का मान दिया है न कि ये इक्वेटर का या भूमध्य रेखा, क्योंकि इस जो गोल प्रक्षेप बनाया जाता है ये कितने डिग्री तक बनाया जाता है, 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि गोल प्रक्षेप के अंतर्गत जो भूमध्य रेखा होती है अपनी वास्तविक लंबाई की कितनी होती है मित्रों, तो 7/10 होती है। भूमध्य रेखा कितनी होती है, अपनी वास्तविक लंबाई की 7/10 होती है, यानी कहने का मतलब अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, यह आपको याद रखना है। लाल बटे कक्का या कॉस 45 या कॉस थीटा, एक्स का मान ज्ञात करना है 6/1, या इसको करते हैं तो 4.49 ये आ जाता है, ये अपन को ज्ञात करना था। और फिर दूसरा है प्रकाश की विधि के आधार पर, इसमें प्रकाश की कल्पना कहाँ पर की जाती है, वृत्त की परिधि पर की जाती है, या कह सकते हैं ग्लोब की परिधि पर की जाती है। जब इसकी परिधि पर की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश की जो ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ मान बढ़ जाता है, और भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, छोटा हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि इसमें देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी आनुपातिक रूप से ध्रुवों की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा ये 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मान शुद्ध पाया जाता है, उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का जो अगर फसल वितरण दिखाना है, किसी प्रकार का वितरण दिखाना है, तो हम गोल प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर नेक्स्ट आगे दूसरा प्रक्षेप हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे मर्केटर प्रक्षेप। तो मैं देखो एक बार इसमें रिवीजन करवा देता हूँ इसको मिटाने से पहले, कि जो प्रक्षेप होता है, कौन सा प्रक्षेप, गोल प्रक्षेप, इसका निर्माण दो प्रकार से किया जाता है, पहला गणितीय विधि के आधार पर और दूसरा होता है प्रकाश की विधि के आधार पर। तो मित्रों गणितीय विधि के आधार पर मैंने बताया कि इसका RF देगा हमारे लिए 1:100×10^5, तो ये कर दिया 6350/100×10^6, ये आ गया 6.5 त्रिज्या आ गई। 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के लिए उपयोगी होता है ये। इसमें क्या है कि ये 6.35 आ गई, 45 डिग्री एक्स का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये लाल बटे कक्का करना है, कॉस 45 बराबर एक्स बटे 6.35 होता है, कॉस 45 का मान अंडररूट 1/2 होता है, तो जब कॉस 45 का मान इसमें सेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 4.49। यानी मैं कह सकता हूँ आपको कि गोल प्रक्षेप के अंतर्गत जो विषुवत रेखा होती है वो अपनी वास्तविक लंबाई की कितनी दिखाई जाती है, 7/10 दिखाई जाती है, या कॉस 45 का मान अंडररूट 1/2 होता है, या 0.7071 भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा दूसरी विधि बताई प्रकाश की विधि के आधार पर, और प्रकाश की कल्पना इसमें कहाँ की जाती है, तो वृत्त की परिधि पर की जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है त्रिविमीय बेलनाकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। जब इसमें प्रकाश की कल्पना परिधि पर की जाती है तो ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके मध्य आनुपातिक रूप से वृद्धि होती जाती है अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो, या फिर कह सकते हैं कि जो ये जो 0 डिग्री होती है अपनी वास्तविक लंबाई की 45 डिग्री के बरोबर ही दिखाई जाती है, या वास्तविक लंबाई की छोटी दिखाई जाती है, जबकि 45 डिग्री से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं हम दोनों गोलार्धों में, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें चाहे उत्तरी गोलार्ध की, तो वो रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो अपनी वास्तविक लंबाई से अधिक दिखाई जाती हैं। इसीलिए जो ग्रीनलैंड का जो हम मानचित्र बनाते हैं वो कनाडा के बरोबर या कनाडा से बड़ा दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता में वो कनाडा का 1/10 भाग ही होता है। तो इसका ये इस प्रक्षेप की वजह से होता है। तो ये प्रक्षेप था, इसमें अपन को पॉइंट याद रखने के, इसके अंतर्गत मान हमेशा 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य शुद्ध पाया जाता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, त्रिविमीय बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। और त्रिविमीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की कल्पना कहाँ की जाती है, वृत्त की परिधि पर की जाती है। इसका उपयोग शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का वितरण दिखाना है तो उसके लिए किया जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती हैं, तो वो कौन सा प्रक्षेप होता है, आपको याद रखना है कौन सा होता है, गोल प्रक्षेप होता है।
इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 45 डिग्री नॉर्थ साउथ ध्रुवों तक जब जाते हैं तो वास्तविक लंबाई की क्या होगी, अधिक दिखाए जाते हैं, और अगर 0 डिग्री से 45 डिग्री तक जाते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी दिखाई जाती हैं। तो नेक्स्ट आप लास्ट और पांचवा नंबर हेडिंग लिखोगे मित्रों, उसका नाम है मर्केटर प्रक्षेप या ग्रीडास मर्केटर प्रक्षेप। तो नेक्स्ट फाइव नंबर आप हेडिंग लिखो, तब लिखिए ग्रीडास मर्केटर प्रक्षेप। ये ग्रीडास मर्केटर प्रक्षेप, ये ग्रीडास मर्केटर महोदय ने 1559 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। कब किया? तो 1559 ईस्वी में ये ग्रीडास मर्केटर महोदय ने इसका निर्माण किया था। किस प्रक्षेप का? तो ग्रीडास मर्केटर प्रक्षेप, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं मर्केटर प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप? मर्केटर प्रक्षेप का निर्माण कब किया? 1559 ईस्वी में। अब इस मर्केटर प्रक्षेप का निर्माण की क्या आवश्यकता पड़ी और क्यों इसका निर्माण किया? तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोजेक्शन चित्र बनाता हूँ। इस प्रक्षेप के अंतर्गत क्या होता है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं की जो लंबाई है ये बराबर होती है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, देशांतर रेखाओं के मध्य का डिफरेंस बराबर होता है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो अंतराल होता है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और इसके अलावा आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से आप नीचे बनाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये 0 डिग्री मान लेनी है, 0 डिग्री, और यहाँ पे आपको लिख देनी है 180 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ 60 डिग्री, 120 डिग्री, और यहाँ पे आपको लिख देनी है 180 डिग्री। आप कंटिन्यू लिख सकते हो इसको, एक एक सीक्वेंस में ज़्यादा लाइनें आपको खींचनी पड़ेंगी। अब ये जो प्रक्षेप बन करके तैयार हुआ है इसमें वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये जो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री आनुपातिक रूप से थोड़ी बड़ी होती है इससे, तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अब इस प्रक्षेप के अंतर्गत क्या होते हैं कि पॉइंट बने होते हैं इस प्रकार से, जिनको अपन बोलते हैं जीवा। क्या कहा जाता है? इन्हें जीवा कहा जाता है। ये जो जीवा होते हैं और ये जो दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं इस प्रकार से, और जब ये इसको इससे मिलाते हैं इसे कहा जाते हैं एक दिस नेपथ्य रेखा, या हम इसको कह सकते हैं लेग्जोड्रम। इसे एक दिस नेपथ्य रेखा कहा जाता है। इसमें क्या है, इस प्रकार से मिलाते हैं, ये क्या होते हैं कि ग्रेट सर्किल होते हैं एक प्रकार से। जैसे यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो केप टाउन, या जैसे ब्रिटेन है, इसको आपस में मिलाना है। तो ये क्या होती हैं कि ये एक दिस नेपथ्य रेखा होती हैं, एक दिस नेपथ्य रेखा होती हैं। इंग्लिश की भाषा में इनको लेग्जोड्रम कहा जाता है। ये जो एक दिस नेपथ्य रेखा होती हैं, इस प्रक्षेप का उपयोग, मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग मुख्यतः परिवहन के लिए किया जाता है। किसके लिए? परिवहन के लिए किया जाता है। ये परिवहन या जल परिवहन हो या फिर वायु परिवहन हो, जल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, इसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब समुद्रों में जब जहाज चलते हैं तो उन जहाज़ों को जो पायलट होते हैं या फिर वायुयान जो उड़ाए जाते हैं
उनमें क्या है, बार बार उसको नहीं मोड़ना पड़े, इनके इन जीवाओं पे इनको मोड़ दिया जाता है और ग्रेट सर्किल का, एक ग्रेट सर्किल का निर्माण किया जाता है या एक दिस नेपत रेखा के सारे आपस में मोड़ दिया जाता है। तो एक बार मोड़ने से निश्चित दूरी तक फिर वो सीधा चलता है। तो उसको भ्रम को दूर करने के लिए मर्केटर महोदय ने या नाविकों की सुविधा के लिए या पायलटों की सुविधा के लिए किस प्रक्षेप का निर्माण किया, मर्केटर प्रक्षेप का निर्माण किया। और मर्केटर प्रक्षेप के अंतर्गत यहाँ पर मान हमेशा शुद्ध दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है मान हमेशा शुद्ध, तो मैं कह सकता हूँ उष्ण प्लस शीतोष्ण, उष्ण प्लस शीतोष्ण कटिबंधों में, कटिबंधों के अंतर्गत मान, मान शुद्ध पाया जाता है, पाया जाता है। इसके अलावा यह आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनके मध्य जो अनुपतराल है अक्षांश रेखाओं के मध्य, आनुपातिक रूप से बढ़ता चला जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य अंतराल क्या होते हैं, तो आनुपातिक रूप से क्या होगा, बढ़ता जाता है। जब आनुपातिक रूप से बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि जो संसार के मैप में जब हम देखते हैं तो जो ग्रीनलैंड महाद्वीप है वो ग्रीनलैंड कनाडा महाद्वीप से 1/10 भाग है, यानी कनाडा का 10% है। लेकिन जब इस मर्केटर प्रक्षेप पे बनाया जाता है तो उसका मानचित्र कनाडा महाद्वीप से भी बड़ा या उसके बरोबर दिखाया जाता है। तो ये क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें 30 डिग्री या 45 डिग्री के मध्य मान शुद्ध पाया जाता है। और जिस प्रकार से हम ऊपर बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर, तो उनके मध्य जो अंतराल है वो भी बड़ा होता जाता है, या यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं उनका मानचित्र बड़ा दिखाया जा सकता है या जाता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि ग्रीनलैंड कनाडा का 1/10 भाग होते हुए भी मर्केटर प्रक्षेप पर कनाडा से बड़ा दिखाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें हम कह सकते हैं कि मान कहाँ शुद्ध पाया जाता है। मैंने लिख दिया है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर मान शुद्ध पाया जाता है। इसका जो उपयोग है, तो उपयोग किसके लिए होता है, तो परिवहन के लिए, परिवहन या हम कह सकते हैं नौ संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन से प्रक्षेप का, तो मर्केटर प्रक्षेप। और भारत के जो मौसम जो मानचित्र होते हैं या जो ऋतु मानचित्र होते हैं वो कौन से प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं, तो ग्रीडास मर्केटर प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। मैं लिख देता हूँ भारत के मौसम लिख देता हूँ भारत के मौसम मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। ये मर्केटर प्रक्षेप है, इसको यथाकृतिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। कौन सा प्रक्षेप कहा जाता है, यथाकृतिक, यानी कहने का मतलब जैसी आकृति होती है
उसी अनुसार या धरातल पर जिस प्रकार का क्षेत्र होता है, जैसी आकृति होती है, सेम आकृति प्रोजेक्शन में दिखाना यथाकृतिक प्रक्षेप कहलाता है। तो इसे यथाकृतिक प्रक्षेप या शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसे शुद्ध दिशा या यथाकृतिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना है अपन को, यहां लिख देता हूं कि इसके अंतर्गत देशांतरों के मध्य अंतराल कैसा पाया जाता है मित्रों? तो बराबर पाया जाता है। मतलब देशांतरों के मध्य अंतराल बराबर होते हैं, लेकिन अक्षांशों के मध्य अंतराल आनुपातिक रूप से बढ़ता जाता है। तो यह आपको याद रखना था किस प्रक्षेप के अंतर्गत, गिरिडास मर्केटर प्रक्षेप के अंतर्गत, और ये किसका भाग है? बेलनाकार प्रक्षेप का भाग है। तो आज बेलनाकार प्रोजेक्शन समाप्त हुआ, और बेलनाकार प्रोजेक्शन में 5 बताए थे मैंने। सबसे पहला था असंदर्श प्रक्षेप या समदूरस्थ प्रक्षेप, दूसरा था संदर्श या हम कह सकते हैं यथार्थ, या उसका थर्ड नाम है नोमोनिक प्रक्षेप, और तीसरे नंबर पर आता है समक्षेत्र प्रक्षेप, या समक्षेत्र का दूसरा नाम था लैम्बर्ट महोदय का समक्षेत्र प्रक्षेप, और तीसरे प्रक्षेप के बारे में अध्ययन किया तो वो था गोल प्रक्षेप, और सबसे अंत में हमने जिसका अध्ययन किया वह है ग्रिडास मर्केटर प्रक्षेप, और ग्रिडास मर्केटर प्रक्षेप के बारे में मैंने ये अध्ययन किया। तो इस प्रकार से ये बेलनाकार प्रक्षेप पूरा होता है। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अभी तक हमारे आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट टू मीट यू।